Assalamualaikum guys, I'm back with another amazing video. और आज की वीडियो जा रही है बहुत स्पेशल. आज हम जा रहे हैं फैसलाबाद के मशहूर तरीन गोला खाने और हमारे साथ हमारे फिर से इधर यहाँ बहुत काले आ रहे हैं. इधर काला हमारे साथ दोबारा हमारे अबू बकर भाई. ये देखो कितना चिट्टा लग रहा है. यो अबू बकर भाई, क्या चाह रहे, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? इतने बड़े यूट्यूबर फिजान अहमद ऑफिशियल के ब्लॉग्स में आ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? फीलिंग्स क्या आ रही है? वीडियो क्यों नहीं फेमस हो रही? यह वो तो डिपेंड करता है, जब ये देख रहे हैं अल्लाह करे इंशाल्लाह होएगा. कहते ने जितना गुड़ पाओ उतनी शायद मिठी होएगी. असी मेहनत करी जा रहे हैं, असी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक बार निकलना मीठा चा सा ही नहीं हुए. तो अभी हम निकलते हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद का मशहूर तरीन वर्ल्ड फेमस गोला खाने. तो अभी हम जा रहे हैं, तो अबू बकर भाई हमारे साथ है, तो लेट्स गो निकलते हैं. तुम्हारे साथ रही वीडियो को एंजॉय करें. हम शहरी गोले वाले के पास पहुंच गए हैं, तो अभी इन्होंने रेडी शुरू ही की है, तो हम कह लो कि पहले कस्टमर है. तो ये इनका स्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी इनका मेन्यू चेक करेंगे और फिर देखते हैं कि हम कौन सा गोला खाएंगे. मेन्यू जी बकर भाई, कौन सा फ्लेवर वाला? अच्छा, एप्पल अखरोट, ऑरेंज, ब्लू अपना, बनाना, मैंगो कॉकटेल, मैकफ्रूट, ये सब कुछ के अंदर होता है. तो इनके पास 50 से लेके 500 रुपये वाला गोलगप्पा गया ना भाई, गोला है. तो अभी हम उनसे पूछेंगे कौन सा स्पेशल है, तो फिर देखते हैं कौन सा ऑर्डर करेंगे. स्पेशल चलो देखते हैं अभी. इलेक्ट्रिक मशीन है इनकी बर्फ़ को क्रश करने के लिए. अभी बर्फ़ के ऊपर कदर डाला है मैंने, तो देखते हो क्या क्या ऐड करते हैं. अभी फ्रूट काट करके डालने लगे अंदर, केला, ये मेरे ख्याल से कारण नमक या ऐसा कुछ. अभी ये कोई खोया वगैरह है मेरे ख्याल से. ये अभी खोया डाला है इसके ऊपर, केला, खोया फ्लेवर, जो अभी और ब्रश फ्रेश खा रहे हैं, फिर इसके ऊपर पता नहीं और क्या क्या डालेंगे. और बर्फ डाली,
फिर से रंग। काफ़ी अच्छा कलर माशाल्लाह लग रहा है। इसके ऊपर फिर से फ्रूट अंगूर डाल रहे हैं। फिर से खोया। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। आर्टिस्ट ज्यादा गोले वाले काम है। जबरदस्त, क्या बात है ये। ये जो दिखाओ ज़रा, तो समझ नहीं आ रही शुरू पता कहाँ से करें भाई। कसम से आर्टिस्ट है, मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है। जिस तरीके से मैंने बनाया ना, मज़ा आ गया देख के। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा देखने में, तो मुँह में पानी भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा खाने का। मैंने ऐसा गोला ना कभी ज़िंदगी में देखा है, तो इंशाल्लाह खाते भी है, टेस्ट भी आपको बताते। मज़ा आ गया देख के, तो अब आपको टेस्ट करके भी बताते। कोई मेरे ख्याल से 10,000 चीज़ें भाई ने डाली है, फिर बर्फ़ डाले, फिर भी चीज़ डाले, फिर बर्फ़ डाल। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का टेस्ट है। अभी आस्ता से नीचे घुसेंगे तो और मज़ीद टेस्ट आएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत मज़ा आया देखने का। इंशाल्लाह मैं कोशिश हुई तो आप ही बात करवाता हूँ भाई से। रश बहुत ज़्यादा है इस टाइम, अगर हो गया तो इंशाल्लाह बात ज़रूर करवाएंगे। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ने कैसे बनाया है। बहुत मज़ा आया जी। अभी खाते हैं इसको, तो इन्जॉय करते हैं। इंशाल्लाह आपसे भी मिलते हैं। बोला फिर लेके कहते हैं और स्पेशल करके दे रहे। तो और माशाल्लाह इतने खुले दिल का इंसान मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। बस मैं आपको क्या बताऊँ यार, अल्लाह इनको और तरक्की दी है, अल्लाह और इनको तरक्की दे जी। बैक होम, ज़रा आपको गोले के बारे में रिव्यू दे दूँ। उधर दे नहीं सका बिकॉज बहुत रश था वहाँ पे। तो आपके मैंने ओनर से भी बात करवानी थी, उन्होंने बात करनी भी थी, उनका भी बहुत दिल चाह रहा था लेकिन बात नहीं कर सके क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कम अज़ कम अगर एक गोला खाना है आपको आधा घंटा तो लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर बहुत रश है। वो 25 गोले कह लो ऐसे रख के इकट्ठे बनाते हैं, तो कह लो कि वो बहुत ज़्यादा कारीगर है। मैं कहता हूँ आर्टिस्ट है। ऊपर से जब डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखा होगा, उन्होंने फिजान भी लिखा है लेकिन गलत लिखा है। चलो लिखा तो है, कोई बात नहीं। तो गोला बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। कोई 8 से 9 लेयर्स थी उसमें, फ्रूट्स की, खोए की, मलाई की, तो मैंने क्या क्या और मैं आपको क्या क्या बताऊँ। तो कहाँ बना है, मिलर चौक स्टेडियम फैसलाबाद से आप सीधे जाएंगे, आगे मिलर चौक आता है, वहाँ पे मेन मिलर चौक पे शहरी गोले वाला, लाहौरी गोले वाला, तो काफ़ी मशहूर है उस इलाके में। आप जाके मिलर चौक में किसी से बस यही पूछ लें कि शहरी गोले वाला कौन सा, आपको बता देगा वो।
तो इंशाल्लाह आपने गोला जरूर ट्राई करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और क्या है उनका व्हाट्सअप नंबर और जो भी नंबर होता है वो भी दे दूंगा आपको, तो आप ट्राई करना जाके इंशाल्लाह, जरूर फैमिली से ट्राई करना इंशाल्लाह। मैं भी फैमिली लेके जाऊंगा और खाएंगे हम, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहला ऐसा गोला था जो मैंने ज़िंदगी में खाया जो इतना टेस्टी गोला, और मैंने आज तक इतना मज़े का गोला नहीं खाया। तो अगर मज़ीद इस आगे फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना इंशाल्लाह। तो मुझे दिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब मुझे वो सबसे मेन चीज़ें भूल गया, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक बटन से हमारा बहुत कुछ हमें हौसला मिलेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।